प्रदेश के सूचना लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग खादी एवं ग्राम उद्योग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खादी ग्राम उद्योग के NP मौर्य, औद्योगिक पर्यवेक्षक जनार्दन सिंह, सहायक आयुक्त गुलाब चंद्र गौण, मोहम्मद अफजल मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा की तथा बैंकों के माध्यम से ऋण देकर उद्योगों को बढ़ाने के निर्देश दिए। गोरखपुर है सर, जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही गोरखपुर है सर, 0.02% ऑफ सर, मैं 67 एप्लीकेशन सेंड किया हूँ सर। नहीं, आपने फाजे मनी की टारगेट था 0.06, नहीं सर, 131 लाख सेंड किया सर, 131.59 लाख सर, हमारा सब सेंसर भी ऑनलाइन हो गया है, 21.81 लाख सर। ये 27 जुलाई तक की समीक्षा हो रही है आपकी? आपका पोर्टल पर दिख रहा है 2 महीने बाद सर 40 का टारगेट है, जिसमें हम 40 के सापेक्ष ऑनलाइन में 31 कितने समय से है बलिया में कंप्लीट लॉकडाउन 31 जुलाई तक था, इसलिए हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई। 1 तारीख को खुला है सर, 2 दिन की छुट्टी थी, अब ये 2-3 दिन में सारी एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेंगे सर। लॉकडाउन की वजह से कोरोना पेशेंट ज्यादा हो गए थे यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर, उन्हीं को फॉर्म भरवा रहे हैं, लॉकडाउन 1 तारीख को खुला है सर, और ये रहते हैं सबके बाद हम फॉर्म भरवाने से लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा सर। ट्रेनिंग कितने लोगों का हो गया सर? 300 की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है बलिया में।